Should you buy iPhone 11 in 2023? Let's talk about this. iPhone 11 अगर आज की डेट में आप नया खरीदना चाहोगे तो ये 38999 यानी कि 39,000 रुपीस का आपको ऑनलाइन मिल जाएगा Amazon एंड Flipkart पे। और अगर आप इसको सेकंड हैंड खरीदने का सोच रहे हो तो करीब 25,000 से 30,000 रुपए के आसपास मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि वो किस कंडीशन में है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस वाले फोन को 2023 में लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज अब आ गया है 5G का जमाना और ये है एक 4G फोन, तो क्या इसको अभी कंसीडर करना चाहिए कि नहीं। तो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसमें LCD डिस्प्ले है उसके बारे में बात करेंगे, ऑल्सो इसका प्रोसेसर वगैरह क्या है, गेमिंग के लिए सोच रहे हो, नॉर्मल यूज के लिए सोच रहे हो, हर एक तरीके से इसको कंसीडर करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या इसको 2023 में लेना चाहिए कि नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। So, hey guys, my name is Mohit and welcome to my channel. और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड की। यहाँ पे आपको चारों ही तरफ पे एल्युमिनियम एजेस देखने को मिल जाती हैं, जो कि राउंडेड एजेस के साथ देखने को मिलती हैं। ऑल्सो आपको इसके चारों कॉर्नर्स भी राउंडेड देखने को मिलते हैं। इसके बैक साइड पे आपको दो लेंसेज देखने को मिल जाते हैं, काफी अच्छा खासा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है जो कि आपको मैट टेक्सचर के साथ देखने को मिलता है। ऑल्सो इसके पीछे आपको पूरा ग्लास बैक देखने को मिलता है जो कि ग्लॉसी है। ऑल्सो इसके जो एजेस है ये मैट एल्युमिनियम टेक्सचर के साथ आते हैं जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। सामने की तरफ पे आपको एक LCD डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको एक बड़ा सा नॉच मिल जाता है एंड बड़े बड़े बेजल्स मिल जाते हैं। अगर इसकी ओवरऑल डिजाइन की बात तो सेम टू सेम iPhone 12 के जैसा ही है, बस 11 में आपको राउंडेड एजेस मिलती है एंड यहाँ पे आपको फ्लैट एजेस मिलती है। इसके अलावा जो ओवरऑल लुक देखने को मिलेगा आपको वो एज इट इज सेम टू सेम ही है। इसको आप पानी के अंदर 6 फीट तक डाल सकते हो फॉर 30 मिनट्स। तो हाँ, यहाँ पे जो डेप्थ आपको मिलेगी ये ज्यादा नहीं है, स्विमिंग पूल में आप ले जा सकते हो, लेकिन कभी किसी नदी या समुद्र में जाके मत डुबा देना इसको, नहीं तो ये फोन गया साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। यहाँ पे ग्लास बैक होने की वजह से आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन हाँ इसमें मैक्सेफ का सपोर्ट नहीं है, यानी कि इसको आप चिपका नहीं सकते हो, किसी वायरलेस चार्जर के ऊपर रख दोगे तो ये चार्ज होने लगेगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है डिस्प्ले एंड बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको 6.1 इंचेस का लिक्विड रेटिना IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें आपको 625 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है। इसमें आपको 828x1792 के पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं जिनकी पिक्सल डेंसिटी 326 PPI है। इस वाले डिस्प्ले की अगर बात करूं तो LCD डिस्प्ले काफी अच्छी खासी क्वालिटी का है, इवन से बेस्ट LCD डिस्प्ले है ये मार्केट में। कलर्स वगैरह की बात करूं तो कलर एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक माइनस पॉइंट देखने को मिलेगा, वो है इसकी बड़ी बड़ी बेजल्स। यहाँ पे जो आपको बेजल्स मिल रही है ये आपको आंखों में खल सकती है क्योंकि काफी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बेजल्स हैं, तो जब भी आप इसको यूज करोगे तो हाँ तो डेफिनेटली आपको ये थोड़ी आंखों में खल सकती है। ऑल्सो LCD डिस्प्ले होने के कारण यहाँ पे आपको जो ब्लैक्स हैं ये थोड़े से मैट ब्लैक टाइप का दिखाई देगा, तो इसकी वजह से आपको जो ब्लैक कलर्स हैं ये थोड़े से कम ब्लैक लगेंगे एंड ये थोड़ा सा ग्रेश टाइप का लुक देता है, तो हो सकता है कि ये चीज है आपको थोड़ा सा पसंद आए, लेकिन अगर आप टेक फील्ड में नहीं हो, इन सब में इतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई ये चीज आपको परेशान नहीं करेगी क्योंकि काफी अच्छे खासे कलर्स प्रोवाइड करता है एंड डिस्प्ले के मामले बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आप LCD डिस्प्ले चला सकते हो तो हाँ भाई इस फोन की तरफ जा सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो भाई इसके डिस्प्ले ठीक ठाक सही है, कोई इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं है। इसके LCD पैनल की क्वालिटी काफी अच्छी है, 60Hz का रिफ्रेश रेट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और अगर आप एक रेगुलर यूजर हो तो ये LCD डिस्प्ले आपको कहीं से भी परेशान नहीं करेगा। मूवी वॉचिंग के लिए इसको देख रहे हो तो भाई हाँ अच्छी खासी इसमें क्वालिटी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके चिपसेट की। इसमें आपको A13 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है, ऑल्सो इसमें आपको 4GB की रैम देखने को मिलती है। अगर बात करूं इसके परफॉर्मेंस की तो भाई बहुत कमाल की परफॉर्मेंस ये देता है, इसमें गेमिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो, कहीं से भी ये आपको कोई भी परेशानी नहीं देने देगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको मैं Geekbench का आपको कंपैरिजन दे देता हूं iPhone 14 के साथ जो कि अभी लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके स्कोर्स में इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ ये 2019 का फोन है, 2022 का फोन है, फिर भी यहाँ पे जो आपको स्कोर्स में डिफरेंस है ये इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई किस लेवल का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ऑल्सो गेमिंग के लिए बहुत कमाल का फोन हो जाता है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी। iOS 16 का सपोर्ट भी इसमें देखने को मिल जाता है, ऑल्सो अगर हैवी एडिटिंग भी करते हो तो ये आराम से झेल जाएगा, तो भाई परफॉर्मेंस के मामले में आराम से इस फोन को आंख बंद करके ले सकते हो अगर गेमिंग के लिए देख रहे हो तो। और अगर बात करूं गेमिंग की तो भाई यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही इशू फेस करना पड़ सकता है, वो है इसका जो LCD डिस्प्ले है, इसकी वजह से जो आपको शार्पनेस है ये थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, जो डीप ब्लैक्स हैं ये आपको नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा ग्रेश लुक देता है, तो हो सकता है गेमिंग में आपको थोड़ा बहुत मजा थोड़ा सा कम सा है कलर्स के लिए। ऑल्सो जो दूसरा इसका ड्रॉबैक है ये इसकी बड़ी बड़ी बेजल्स, तो ये बड़ी बड़ी बेजल्स कई लोगों के लिए एडवांटेज भी होती हैं कि भाई एक्सीडेंटली कोई भी कहीं भी किसी भी बटन पे प्रेस नहीं होता, बिकॉज साइड में एजेस होती हैं तो आप आराम से इसको पकड़ सकते हो, तो ये कई लोगों के लिए एडवांटेज भी है, कई लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी है, एंड डिसएडवांटेज मैं ज्यादा बोलूंगा। इसके अलावा आपको ये बड़ी सी नॉच मिल जाती है जो कि थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती है, लेकिन गेमिंग में आपको परेशान नहीं करेगी। इसके नॉच का साइज भी सबसे बड़ा वाला है, यानी कि सबसे पहला जो नॉच आया था इसमें वही वाला नॉच आपको देखने को मिल जाता है, फेस आईडी वगैरह भी मिल जाती है, तो बहुत सही बात हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की।
और जितने भी गेमर्स हैं उनके लिए बैटरी एक बहुत बड़ा एलिमेंट हो जाता है। जब ये फोन मार्केट में आया था तो इसमें आपको सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता था, और जब मैंने इसको आईफोन 10R से कंपेयर किया था तो भाई इनमें आपको सेम ही बैटरी बैकअप देखने को मिला था। मुझे तो पर्सनली इन दोनों में सेम ही बैटरी बैकअप मिला था। इवन मेरा XR जो था वो पुराना था और ये नया था, उसके बाद भी जो बैटरी बैकअप मुझे मिला वो ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही मिल रहा था। तो जैसा कि आपको पता है कि आईफोन 10R की बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा कमाल का है, एंड सेम बैटरी बैकअप आपको इसमें भी मिलेगा। अगर हैवी गेमिंग भी करते हो तो 5-6 घंटे की तो आराम से इसमें गेमिंग कर सकते हो। इसमें आपको 3110 mAh की बैटरी मिल जाती है। ऑल्सो इसमें अगर आप 20W का फास्ट चार्जिंग यूज करते हो तो ये 50% चार्ज कर देगा 30 मिनट में, जो कि एप्पल के हिसाब से फास्ट चार्जिंग है। बहुत बढ़िया। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा लेकिन मैगसेफ का नहीं है। लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज इस तरीके के कवर्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं जिनको अगर आप इन ओल्डर डिवाइसेस में लगाते हो। फॉर एग्जांपल ये आईफोन 10 है, ऐसा आईफोन 11 के लिए भी आता है लेकिन वो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था एक वीडियो के लिए। सो कुछ इस तरीके का कवर आप लगा के इसमें भी आप मैगसेफ यूज कर सकते हो, तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इस तरीके का कवर यूज करके आप आराम से मैगसेफ को यूज कर सकते हो। बाकी ये दूसरी एक्सेसरीज जैसे वॉलेट वगैरह हो गया, वो लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको इस केस के बाद। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इनके कैमरास। ये वो पहला फोन था जिसमें आपको इस तरीके का ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता था, इस तरीके का एक कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता था, दो लेंसेज देखने को मिलते थे। हालांकि दो लेंसेज आपको आईफोन 10 में भी देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक टेलीफोटो और एक प्राइमरी लेंस मिलता था। यहाँ पे आपको एक प्राइमरी और एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल रहा है, जो कि बहुत कमाल की बात हो जाती है अगर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हो तो। ऑल्सो व्लॉगर्स के लिए भी बहुत कमाल का फीचर हो जाता है। ऑल्सो ये पहला फोन था जिसमें आपको नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता था, यानी कि इन दोनों ही लेंसेज से आप नाइट मोड में फोटोग्राफी कर सकते हो, जो कि बहुत कमाल की बात हो जाती है। ये दोनों ही कैमरा लेंसेज 12 मेगापिक्सल के लेंसेज हैं। यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप 4K 60fps की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सैंपल चला के आपको दिखा देता हूँ कि इसमें किस लेवल की आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है 4K 60fps पे, और ये है इसका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि अगेन रिकॉर्ड कर रहा है 4K 60fps पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस लेवल का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अभी स्टूडियो लाइट है तो हो सकता है कि आपको एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा हो, लेकिन नॉर्मल लाइट पे आप काफी अच्छे खासे वीडियोस शूट कर सकते हो इससे। इसके फ्रंट कैमरे से भी आप 4K 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियो, यानी कि अगर आप इसको रील वगैरह बनाने के लिए यूज करना चाहते हो तो भी बहुत कमाल का फोन हो जाता है ये। ऑल्सो हाँ, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइटिंग्स यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो उस वजह से आपको जो एक्सपोजर है थोड़ा सा फेस में मेरे जो चमक आ रही वो ज्यादा दिख रही होगी, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल लाइट्स में यूज करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अभी जो लाइट्स हैं ये इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने कैमरा सेटिंग्स के हिसाब से इसको एडजस्ट किया हुआ है। ऑल्सो अगर फोटोज की बात करूं तो भाई फोटोज भी बहुत कमाल के कैप्चर करता है ये। हाँ, यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल के फोटोज की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम लग सकती है, लेकिन इसका प्राइमरी लेंस बहुत कमाल के फोटोज कैप्चर करता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि क्या इस वाले फोन को 2023 में खरीदना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके माइनस पॉइंट्स गिनवा दूं, और जिसमें कि सबसे पहला माइनस पॉइंट है कि ये एक 4G डिवाइस है। देखो मेरे हिसाब से आप इस फोन को ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेटली 5G आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4G एकदम बंद सा हो जाएगा। एंड इवन कई लोगों के घर पे वाईफाई वगैरह होता है तो उनको ये भी जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी अगर आप 5G में अपग्रेड करना चाहते हो तो भाई इस वाले की तरफ मत जाओ। इसका सेकंड डिसएडवांटेज है इसका LCD पैनल। तो इस वाले फोन को जब भी आप यूज करोगे तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जैसे ही इसको एक OLED डिस्प्ले के सामने कंपेयर करोगे तब भाई आपको बड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। और तो इसके अलावा आपको ये बड़ी बड़ी बेजल्स मिल जाती हैं, जो कि अगेन एक बड़ा इफेक्ट देती हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी आंखों में खलेगी, तो ये चीज ध्यान रखना इस वाले फोन को खरीदने से पहले। इन दो चीजों के अलावा मुझे इसमें कोई भी ऐसा माइनस पॉइंट नहीं दिखता है। अगर बात करूं इसके फ्रंट कैमरा की, तो अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, अगर आप एक व्लॉगर बनना चाहते हो, या फिर अगर आप रील्स वगैरह क्रिएट करते हो, तो भाई के फ्रंट कैमरा से आप काफी अच्छी खासी अच्छे क्वालिटी के रील्स क्रिएट कर सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। गेमिंग के लिए सोच रहे हो, उसमें A13 बायोनिक चिप है, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस देती है। कैमरा की बात करूं तो इसके कैमरास भी बहुत अच्छे खासे हैं। वाटर रेसिस्टेंट मिल जाता है, फेस आईडी का सपोर्ट मिल जाता है, ऑल्सो एक लेटेस्ट आईफोन का लुक भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपने यूज के हिसाब से देख सकते हो कि आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। और अगर इसको खरीदने वाले हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, और जिनके पास ये फोन ऑलरेडी है एंड अभी इसी वाले फोन पे देख रहे हो तो भाई एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दो और आईफोन 11 रॉक्स लिख दो। अच्छा, आई होप इस वाली वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। अगर किया है तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और भाई बेल आइकन तो दबाना ही पड़ता है ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।